एक स्त्री थी, उसे बात बात पे गुस्सा आ जाता था। उसकी इस आदत से पूरा परिवार परेशान रहता था। वो हर किसी से झगड़ती रहती थी और इस वजह से परिवार का माहौल खराब हो जाता था। एक दिन एक साधु उनके घर पर आया। उस महिला ने ये बात उस साधु को बताई। उसने कहा कि महाराज, मुझे इस समस्या का कोई उपाय बताइए। साधु ने उसे एक दवाई की शीशी दे दी और कहा कि जब भी आपको गुस्सा आए तो 4 बूंद दवाई अपनी जीभ पर डाल देना और 10 मिनट तक दवा को मुंह में ही रखना, मुंह मत खोलना, नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। महिला ने साधु का धन्यवाद किया और जैसे साधु ने कहा था ठीक वैसे ही किया। 7 दिन में ही उसकी गुस्सा करने की आदत छूट गई। 7 दिन बाद जब साधु दोबारा उनके घर आया तो महिला उनके पैरों में पड़ गई। उसने कहा, महाराज, आपकी दी हुई दवा से मेरा गुस्सा गायब हो गया है। अब मुझे गुस्सा नहीं आता है। मेरे परिवार में अब शांति ही शांति है। तब महाराज ने बोला कि वो कोई दवाई नहीं थी, उस शीशी में तो केवल पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान उल्टा सीधा बोल जाता है जिससे कलह बढ़ता है। इसलिए ऐसे समय पर मौन रहना ही उचित होता है। सो हेलो फ्रेंड्स, सो आपको ये स्टोरी कैसे लगी मुझे बताना, और मैं अब आपको बताता हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर से जो है क्रोमा टून्स करके एक ऐप है, उसको हम डाउनलोड कर देंगे। ये मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है तो इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो फिर हम इसको ओपन कर देंगे। तो ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा क्रोमा टून्स करके। तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 आपको करेक्टर दिख रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में, सबसे लेफ्ट साइड में जो है सेकंड नंबर वाला जो आपका मैन का जो करेक्टर दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे हम। तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं 4 करेक्टर के, 1 2 3 4। तो हमारे स्क्रीन में 4 करेक्टर हैं अभी। इसके बाद अगर हम इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड वाले पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं बैकग्राउंड, या फिर हम यहीं से चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे टॉप पे जो लिखा हुआ है बैकग्राउंड का, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लगभग 7 बैकग्राउंड है अलग अलग। तो हम पहला चूज कर लेते हैं, सेकेंड वाला ऑप्शन। तो ये इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। इसी तरह से हम नेक्स्ट बैकग्राउंड देख लेते हैं। अब आपने देख लिया होगा इसका बैकग्राउंड फिर चेंज हो गया है। फिर हम नेक्स्ट बैकग्राउंड देखते हैं, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड फिर चेंज हो गया है। और फिर जो लास्ट वाला बैकग्राउंड है हमारे पास, उसको भी हम इसी तरह से देख लेते हैं चेंज करके। तो ये बैकग्राउंड चेंज हो गया है, देखिए आपको दिख रहा होगा। इसके बाद सेकंड नंबर का जो ब्लू बैकग्राउंड है उसको भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ऐसे ब्लू हो जाएगा पूरा। और अगर हमें ब्लू कलर का नहीं चाहिए तो फिर ग्रीन कलर का बैकग्राउंड हो सकता है। तो ग्रीन कलर का हम सबसे फर्स्ट में जो है वो ग्रीन कलर बैकग्राउंड है, तो ग्रीन कलर उनके लिए है जो ग्रीन कलर को हटा सकते हैं। अब हम जाते हैं फिर से दोबारा से उसी मैन के जो आइकन बना हुआ उस पर। अब यहाँ पे हमारे पास 4 करेक्टर हैं, तो अगर हमको 4 करेक्टर नहीं चाहिए, हमको केवल 2 ही करेक्टर चाहिए, तो हम इन पर क्लिक करेंगे। हमें 2 करेक्टर यहाँ से हटा देने हैं और 2 करेक्टर हम अपने स्क्रीन पर रखेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बहुत सारे हैं कि हमें कौन कौन से करेक्टर है। तो 1 करेक्टर मैंने हटा दिया है यहाँ से नन करके, और 1 और करेक्टर हम हटा लेते हैं यहाँ से, इस पर भी हम नन कर देते हैं। तो हमारे पास अब जो बचेंगे 2 करेक्टर बचेंगे यहाँ पर। अब इस करेक्टर को हम मूव भी कर सकते हैं, आगे पीछे लेके जा सकते हैं। अब इसका जो प्लस का साइन है हम उस पर क्लिक करके इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं।
अब हमने यहाँ पे फिर से दोबारा से गए वहाँ पे और इनका हमने एक्शन जो है मूव जो है वो चेंज करना है कि अब ये क्या क्या करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट एक्शन फर्स्ट मूव इनका क्या होगा, सेकंड मूव क्या होगा, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो पहले हमने एक करेक्टर चेंज कर लिया है, दो करेक्टर ले आए हम यहाँ पे। अब आप इनका मूव चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्लस के साइन पे क्लिक किया और फर्स्ट जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो पहला मूव क्या करेगी ये जो पहला करेक्टर है, तो ये आपको ये प्लस का साइन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करेंगे तो पहला जो मूव है वो आइडल का है, यानी कि सीधे खड़े रहेंगे। अब ये न्यू वन है और ये 1 2 3 4 5 6 सिक्स तक इसमें मूव हम चेंज कर सकते हैं, इनके क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे हमने ये इसका मूव चेंज कर दिया है, नेक्स्ट हम फिर दोबारा से चेंज कर देते हैं। इसी तरह से हमें जो भी मूवमेंट चाहिए इनका कि ये क्या क्रिएटिविटी करें, क्या एक्शन करें, वो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। और आप इस तरह से इनके मूव सारे सिक्स के जो सिक्स मूव हैं वो चेंज कर सकते हैं आपको जैसे चाहिए सीरियल वाइज। जैसे फर्स्ट में क्या करना चाहिए, सेकंड में क्या करना चाहिए, जैसे ये फ़ोन पे बात कर रही है तो इसका भी ऑप्शन है वहाँ पे। और इस तरह से आपने इसके सारे एक्शन जो है चेंज कर देने। तो पहले के मैंने कर दिए हैं, अब ये सेकेंड करेक्टर का है, जो सेकेंड करेक्टर के भी इसी तरह से हम चेंज कर देंगे। सिक्स के सिक्स मूव्स हमको जो चाहिए अलग अलग वो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। दोनों का हमने अलग अलग करना है, ये हमें भाई दूसरे से क्या करवाना है, भाई बात करवानी है, उसको बैठाना है, या लड़ाई करवानी है, या कुछ भी जो भी यहाँ पे ऑप्शन है, या फ़ोन पे बात करनी है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जा रहे होंगे। तो हमने दोनों करेक्टर के जो है सारे जो मूवमेंट हैं फिक्स कर लिए हैं और उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम रिकॉर्ड का जो है ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे तो ये रिकॉर्ड होने लग जाएगा, अपना पूरा स्क्रीन अपने आप रिकॉर्ड होने लग जाएगा। तो यहाँ पे अलाउ कर देंगे इसको तो ये रिकॉर्ड होने लग गया है। अब इसका जो ग्रीन स्क्रीन है इसको हम हटा भी सकते हैं, बाद में हम सॉफ्टवेयर में जाके इसका ग्रीन स्क्रीन हटा सकते हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शन इसके जो एक्शन है ये शुरू हो गए हैं। जैसे हमने इस पर हम अपनी उंगली से प्रेस करेंगे तो ये एक्शन चेंज होते चले जाएंगे इनके। तो हमने सेकंड करेक्टर पे हमने प्रेस किया है तो इसका एक्शन स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से फिर फर्स्ट करेक्टर पे हम प्रेस करेंगे उंगली से तो इसका भी एक्शन स्टार्ट हो गया है। ये दोनों के दोनों आपस में जो है लड़ाई करने लगे हैं। साथ में हम इनका मूवमेंट भी चेंज कर सकते हैं, इसको इधर उधर भी लेके जा सकते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि दोनों के दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। फिर हम इसका मूवमेंट इसको मूव करा सकते हैं इधर से उधर। फिर हम करेक्टर्स पे जैसी क्लिक करेंगे, जैसी हम प्रेस करेंगे उंगली से तो ये अपना एक्शन चेंज कर देंगे, नेक्स्ट एक्शन शुरू हो गया इनका। तो इसी तरह से ये एक्शन चलता रहेगा। अब ये बैठ गई है यहाँ पे, अब ये यहाँ पे मूवमेंट करने लग गया क्योंकि मैंने यहाँ पे उंगली से प्रेस किया था। तो इस तरह से हमारा ये जो है आपस में टॉकिंग करते हुए लड़ाई करते हुए जो करेक्टर्स हैं ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। अब एक बैठ गया है और एक बात कर रही है अभी, फिर ये भी खड़ा हो गया है तो ये भी आपस में बात कर रहे हैं। तो ये जो एक्शन मैंने दिए थे उनका रिजल्ट है ये, मतलब ये उस तरह से ही करेंगे जिस तरह से हमने इनका एक्शन दिया था वहाँ पे। ये हम फिर दोबारा से करते हैं इसको स्टार्ट, और हमें करेक्टर है तो करेक्टर फिर दोबारा से समझ लीजिए कि इस तरह से हमने चूज करने हैं दो करेक्टर, दो या तीन जितने भी चाहिए हमको स्क्रीन पे हम उतने करेक्टर। एक करेक्टर मैंने हटा दिया तो अब हमारे पास तीन करेक्टर रह गए हैं यहाँ पे, एक चुड़ैल भी आ गई है। इनके जो मूवमेंट है ये जो इनका जो मूव है ये हम डिसाइड करेंगे कि हमें इनसे क्या क्या कराना है तीनों करेक्टर से। तो तीनों करेक्टर का अलग अलग कर देंगे हम। तो फ्लिप कर दिया इनका, साइड भी हमने चेंज कर दिया, डायरेक्शन भी चेंज कर दी है। हम इनके हाथ में कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो जहाँ पे एरो जा रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो इनके हाथ में हम कुछ दे सकते हैं, जैसे पर्स देना चाहें, गन देना चाहें, कुछ कोई भी चीज़ जो इसमें यहाँ पे दी हुई है, जैसे पर्स है, नाइफ है, कुछ भी, गन है, AK-47 है, हैंड गन है, ये सब हम इनको इनके हाथ में दे सकते हैं।
तो हम सारे करेक्टर्स में अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि हमको इनके हाथ में क्या देना है। तो हमने पहले को पर्स दे दिया है, इसको गन दे दिया है, इसको हमने एक तलवार टाइप की सी दे दी है, और फिर इनका एक्शन शुरू हो जाएगा। फिर वही हम इन करेक्टर्स पे क्लिक करेंगे, यानी कि प्रेस करेंगे उंगली से, इनको थोड़ा सा इधर उधर मूव भी कर सकते हैं, और फिर ये अपना एक्शन शुरू कर देंगे। जो भी एक्शन हमने इनको दिया होगा, ये सारे के सारे एक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, इनकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमने ये बैकग्राउंड चेंज नहीं किया है। अगर हम बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहें इसका, तो हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये जो है किस किस तरह से एक्शन कर रहे हैं। इसका अगर हमने बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम इसका ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड कर देते हैं, और फिर ये इस तरह से दिखेगा, ताकि अगर हम दोबारा से अगर इसका वो करना चाहें तो हम इसको इसका जो बैकग्राउंड है इसे हटा सकते हैं, और फिर इनमें वही एक्शन शुरू करवा सकते हैं जो हमने पहले किया था। तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड पे हम जाएंगे ऑप्शन पे और इसे रिकॉर्ड कर देंगे पूरा। अब जो स्टोरी में मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया था वो किस तरह से किया था वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो उसके लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाएंगे, और गूगल क्रोम में जो है टेक्स्ट टू स्पीच करके हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया टेक्स्ट टू स्पीच का, तो मैंने यहाँ से इसको क्रिएट किया है। तो यहाँ पे क्रिएट ऑडियो लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, या नीचे यहाँ पे बंगाल की खाड़ी जो लिखा हुआ है, तो इसको पूरा हटा दें, और यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है वो हिंदी में टाइप कर सकते हैं। मोबाइल में ऑप्शन होता है लैंग्वेज चेंज करने का, तो हिंदी में आप जैसे ही इसमें टाइप करेंगे तो यहाँ पे हिंदी में लिख देगा ये पूरा। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट भी कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बस इतना लिख दिया मैंने, और धन्यवाद लिख दिया बाद में। अब क्रिएट ऑडियो है यहाँ पे, तो हम क्रिएट ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑडियो क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम लगाएगा, ऑथेंटिकेटिंग बोल रहा है। सो अपलोडिंग वीडियोस बिल्डिंग योर ऑडियो, तो यहाँ पे ये ऑडियो हमारा बना रहा है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, उसके बाद ऑडियो बन जाएगा। आप इसको सुन भी सकते हैं अगर आप सुनना चाहेंगे तो, और नहीं तो इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर देंगे और इसको जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं ऑडियो को। तो इस तरह से आप कार्टून वीडियोस बना के, बहुत सारे कार्टून वीडियोस बनते हैं, इनके स्टोरीज वगैरह रहते हैं, तो इस तरह से आप कार्टून वीडियोस बना सकते हैं और अपने चैनल पे डाल सकते हैं, इससे चैनल जल्दी ग्रो हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हाय, वेलकम टू आवर चैनल एशियन एजुकेशनल हब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, मेक अ कमेंट, एंड इफ यू वांट मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब एशियन एजुकेशनल हब।